आप बैंक ऑफ बड़ौदा का ऑनलाइन एप्लीकेशन यूज़ करना चाहते हैं और उसमें आपका प्रॉब्लम आ रहा है, जैसे यूज़ करते वक्त आपका मतलब लॉगिन करते वक्त अगर आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी नहीं आ रहा है, तो इसको कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, इस वीडियो में हम पूरी जानकारी देने वाले हैं। और उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। तो सबसे पहले जब ओपन करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस नज़र आएगा। इसमें आप कोई भी अपना पसंद का लैंग्वेज चूज़ कर सकते हैं, ठीक है? तो मैं इंग्लिश चूज़ कर देता हूँ। प्रोसीड करते हैं, फिर यहाँ पर से आप स्किप कर लें और लॉग इन टू बीओबी वर्ल्ड, और उसके बाद फिर आप अपना सिम कार्ड चूज़ कर लें जो कि आपका बैंक से एसोसिएटेड है। तो मैं सिम कार्ड चूज़ कर लेता हूँ, नंबर 2 है मेरा, और कन्फर्म पर क्लिक कर लें। बट यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मैसेज मेरा बार बार आ रहा है, अनेबल टू सेंड द SMS फ्रॉम योर मोबाइल नंबर, दिस मे बी ड्यू टू द इनसफिशियंट बैलेंस, पुअर नेटवर्क और योर प्लान डजेंट सपोर्ट द सेंडिंग SMS टू इंडियन नंबर। इसमें से कोई भी चीज़ मेरे साथ नहीं हो रहा है, कहेगा कि नेटवर्क भी मेरा फुल है और वाईफाई से मैं कनेक्टेड हूँ, तो नेट भी काम कर रहा है सही से, और मेरा मोबाइल रिचार्ज भी है और जियो का मोबाइल है तो रिचार्ज है, सारा चीज़ सब कुछ सही से चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा मैसेज आ रहा है। तो ऐसा कैसे हो रहा है? तो इसको सॉल्व करने के लिए आप सबसे पहले नीड हेल्प पर भी जा सकते हैं, बट मैं आपको सलाह नहीं दूंगा यहाँ जाने की। आप सबसे पहले क्या करें, यहाँ बैक कर लें और चले जाएँ सेटिंग पे, या फिर आप बीओबी वर्ल्ड ऐप को लॉन्ग प्रेस करेंगे तो आपको ऐप इन्फो का ऑप्शन दिखेगा, यहाँ से भी आप जा सकते हैं या फिर सेटिंग से भी आप जा सकते हैं। और जाने के बाद फिर आपको यूसेज का ऑप्शन दिखेगा, स्टोरेज यूसेज का, यहाँ से आपको सबसे पहले क्लियर कैशेस कर लेना है, फिर क्लियर डेटा कर लेना है और ओके कर देना है। ये हो जाने के बाद आप जब भी फिर लॉग इन करेंगे तो फिर आपको ये प्रॉब्लम नहीं देगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, इस तरह की और भी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।